मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर 2 के शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लिए थे और शॉर्ट के 52 तक कर लिया था। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट का 53 वाला क्वेश्चन पेज नंबर 38 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 53, हाउ इज द फेरेक्स यूजफुल इन रेस्पिरेशन। आपको बताना है कि जो फेरेक्स है वो रेस्पिरेशन में कैसे यूजफुल है, इसका क्या रोल है रेस्पिरेशन में। तो देखिए अपन जानते हैं फेरेक्स का रोल, अपन ने पढ़ा था ना नोट्स के अंदर कि जो फेरेक्स है वो एपिगॉर्ड्स को क्या कर देता है, क्लोज कर लेता है, जिससे कि फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए आप क्या लिखेंगे, फेरेक्स इज द कॉमन पासेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फेरेक्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पासेज है। ठीक है ना, कॉमन पाथ है पास होने का, किसका, फूड का और एयर का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फूड एंटर करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एयर एंटर करेगी। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे आप, व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरेक्स, जब फूड मटेरियल पास होते हैं, इसमें से पास होते हैं फेरेक्स में से, द एपिगॉइड्स क्लोज द गॉइड्स, तब एपिगॉइड्स होता है वो गॉइड्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेचिया, और फूड को कहां जाने से रोकता है, ट्रेचिया के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, कभी कभी अपन जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जो खाना है वो विंड पाइप में क्या हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, इससे अपने को खांसी वगैरह आती है, फिर अपन पानी पीते हैं। ठीक है, तो जो फेरेक्स का जो मेन रोल है वो क्या है, ये फूड को विंड पाइप के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो फेरेक्स में आप क्या लिखेंगे, फेरेक्स इज द कॉमन पासेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फेरेक्स है वो कॉमन पासेज है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरेक्स, जब फूड मटेरियल पास होता है किसमें से, फेरेक्स में से, द एपिगॉइड्स क्लोज द गॉइड्स, तब एपिगॉइड्स क्या करते हैं, गॉइड्स को क्लोज कर देते हैं। क्यों क्लोज कर देते हैं, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेचिया, फूड की एंट्री ट्रेचिया में होने से रोकने के लिए। ठीक है, और आपको फेरेक्स का डायग्राम भी बनाना है। फेरेक्स का डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर बना हुआ है, वो जो सेलिवरी ग्लैंड्स वाला डायग्राम है ना, वो वाला आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम आपको कहाँ से देखना है, पेज नंबर 11 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। आपको रेस्पिरेटरी मसल्स का क्या बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनका हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में, क्यों है ये रेस्पिरेटरी मसल्स। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि किस वजह से है हमारी बॉडी के अंदर, इसका क्या रोल है। ठीक है, तो आप आंसर में सबसे पहले क्या पॉइंट डालेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। अपन किसके इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स के। फिर जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं वैसे आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, रेस्पिरेटरी मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग बाय मूविंग अप एंड डाउन। जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं, डायफ्राम को कॉन्स्ट्रक्ट और एक्सपेंड करके। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन करके कौन, रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स वो किसमें हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग में। सेकेंड पॉइंट देखिए, रेस्पिरेटरी मसल्स पोजेस थ्योरिक कैविटी टू एक्सपेंड। जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो थ्योरिक कैविटी होती है ना, उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं मतलब फैला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, रेस्पिरेटरी मसल्स कंप्रेस थ्योरिक कैविटी, और ये थ्योरिक कैविटी को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एक बार सिकुड़ाते हैं फिर फैलाते हैं, फिर सिकुड़ाते हैं फिर फैलाते हैं, जिससे कि ये ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ रिब केज। और जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो किसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, रिब केज के मूवमेंट को। ठीक है, तो ये सब किसके इम्पोर्टेंस है, रेस्पिरेटरी मसल्स के। वापस से देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट तो क्या इम्पोर्टेंस है रेस्पिरेटरी मसल्स का, रेस्पिरेटरी मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, ये अपनी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। सेकंड क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स पोजेस द थ्योरिक कैविटी टू एक्सपेंड, ये थ्योरिक कैविटी को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और कंप्रेस करते हैं, और क्या करते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, ये रिब के
वाला क्वेश्चन हो गया है, आपको इनको आपके प्रैक्टिकल में करना है और साथ में इनको लर्न भी करना है।